दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजना सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। दिल्ली में दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कई दिनों से लॉकडाउन लगाने की बात सुर्खियों में थी। इसी को लेके दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर लॉकडाउन लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए दिल्ली सरकार से पूछा कि केवल क्या लॉकडाउन लगाना ही आखिरी रास्ता बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की क्लास लेते हुए उनसे सवाल किया कि उन्होंने दिल्ली में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, साथ ही दिल्ली सरकार से कोरोना की पूरी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिसमें केजरीवाल सरकार कोरोना पर रोकथाम के लिए क्या क्या कर रही है इसका एक विस्तृत ब्यौरा पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर पलटवार ने दिल्ली सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया कि राजधानी के सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड भी आरक्षित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में 400 से ज्यादा आईसीयू बेड बढ़ाने की जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले 13 नवंबर के दिन दिल्ली सरकार व गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई बैठक में भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली दस्तक के साथ।